ओ भाई ये क्या चीज है गाइस, ये देखो सामने क्या है, पॉक्यूपाइन पॉक्यूपाइन भाई। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी गाइस सुबह के 9 बज गए हैं, फिलहाल नहा धो के रेडी हो गए हैं, बिकॉज अभी मैं जा रहा हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए एक रिजॉर्ट में ऊपर। वहाँ पे वाईफाई है ना, हमारे यहाँ गाँव में तो वाईफाई है नहीं, तो दो वीडियो में बस पड़ी है तो वो अपलोड नहीं कर पा रहा, और 10-10 GB की फाइल है तो फोन में बिल्कुल भी नेटवर्क ही नहीं है, तो यहाँ पे यही सीन है, नेटवर्क तो होता नहीं है। तो हाँ मैं जा रहा हूँ अपलोड करने के लिए। बाय द वे गुड न्यूज़ है, मैं सुबह सुबह उठ के देखा भाई हमारे 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो दिल से सबको थैंक यू सो मच। ऐसे जल्दी से 20 मिलियन करा दो और आज हम केक भी काटेंगे। तो चलो पहले चलते हैं वीडियो अपलोड करके आते हैं, वीडियो अपलोड करना इंपॉर्टेंट है ना पहले। तो हम जाएंगे गाड़ी में, यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है, हमारी स्कूटी भी खड़ी, देखो मेरी धन्नो। तो भैया इस गाँव से तो निकल गया, अब क्या करें, जाना पड़ता है, यहाँ नेटवर्क तो है नहीं। तो गाइस जी देखो सामने क्या दिख रहा है, कितना क्लियर हिमालय दिख रहा है, आज मौसम खुला हुआ है ना, और कल हम वहीं जाएंगे हिमालय के ऊपर। गाइस सामने देखो, सामने ये देखो भाई, कहाँ चला रहे हैं हम गाड़ी। चलो भाई पहुँच गए रिसोर्ट, यहाँ की स्पीड चेक करते हैं फिलहाल। 50 MB की मिल जाए, बस 50 की मिल जाए, 50 की काफी है। ओह 200, चलो भाई हो जाएगा अपना काम मस्त। चलो फिलहाल ऊपर चलते हैं, इतने हमारी वीडियो अपलोड हो रही है ना, तो अभी फिलहाल हम ऊपर ही आगे धूप सेकने के लिए, यहाँ पे धूप हो रही है ना मस्त, तो फिलहाल यहाँ पे कॉफी वगैरह पीते हैं और फिर चलते हैं। देखो यहाँ से भी सामने देखो हिमालय दिख रहे हैं, ये देखो। तो अभी थोड़ी देर में बॉय भी आने वाले हैं हमारे थार लेके, तो हम थार में जाएंगे, बॉय भी मैं और साइलदा, पीयूष जाएगा अभी, उसका स्कूल है ना। तो गाइस यहाँ पे हमको हमारे सब्सक्राइबर मिले, किसी दिन वहाँ जाना, सामने हिमालय दिख रहे हैं ना, हम कल जाएंगे वहाँ पे। गाइस देखो कितना मस्त लग रहा है, सामने हमारे सब्सक्राइबर बैठे हैं, हिमालय का व्यू और पूरे पहाड़ी पहाड़ साथ में, और सबसे मेन 18 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हमारे आज। हम तो वीडियो अपलोड करने आते हैं, खाना खा लिया हमने। चलो भाई वीडियो अपलोड हो चुके हैं, सारा काम हो चुका है, अब चलते हैं सीधा घर। चलो भाई एक टेंशन देखो तुम होगी वीडियो अपलोड होने की, अब कोई टेंशन नहीं है, और थोड़ी बहुत मुझे शॉपिंग भी करनी है, कच्चे बच्चे लेने, बिकॉज ना हमारा लॉन्ग ट्रिप है ये बॉबे के साथ में, अराउंड एक हफ्ते का ट्रिप है, तो मेरे पास कच्चे बच्चे कुछ भी नहीं है भाई, और वहाँ नहाएंगे भी नहीं सर, देखते हैं जो भी होगा, इतनी ठंड बर्फ है वहाँ पे, बर्फ में पसंद में नहीं आ रहा, तो कुछ शॉपिंग वगैरह करनी पड़ेगी, और मेरे हॉट भी फटने लगे हैं, लिप बाम वगैरह लेना पड़ेगा, मॉइस्चराइजर लेना पड़ेगा, बिकॉज बर्फ में पूरा मुंह फट जाता है, पूरा मुंह लाल पड़ जाता है, तो पूरी तैयारी करेंगे पूरे अच्छे से भाई। एक वीडियो अपलोड करने के लिए दूर आना पड़ा हमको, तो अभी कहीं शॉपिंग के लिए हम आ गए यहाँ पे, तो मॉइस्चराइजर वगैरह ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो अभी हम आए यहाँ पे कच्चे बच्चे लेने के लिए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ले, क्योंकि धोने का टाइम तो मिलेगा नहीं, साइलदा भी जा रहे हैं ना, साइलदा के लिए भी ले लेता हूँ। तो अभी हम आए इनर लेने के लिए, तो इनर ले लेते हैं। तो गाइस फाइनली सारे काम हो चुके हैं, वीडियो अपलोड हो चुकी है, सारी शॉपिंग हो चुकी है, मैंने इनर्स खरीद लिए, मैंने सॉक्स खरीद लिए, मैंने कच्चे बच्चे सब खरीद लिए, लिप बाम वैसलीन बोरोलिन सब खरीद लिए मैंने ठंड में जाने के लिए, बिकॉज माइनस में टेम्परेचर होता है ना वहाँ पे, तो ठंड से बचने के लिए सब चीज़ें बहुत जरूरी है। फाइनली गांव पहुंच गए, अब फॉर्चुनर हमारी यहीं पे खड़ी रहेगी और हम जाएंगे थार लेके। क्या चल रहा है मम्मी जी? अच्छा तो मम्मी जी और चाची जी मिलके यहाँ पे अपन बना रहे, देखो ओलू को बांध रखे, ओलू बांध रखा, ओलू सौदागे हैं। तो अब फिलहाल मैं पैकिंग करता हूँ अपने कपड़े जो मैं लेके आऊंगा। कहाँ जा रहे हो? हम कुनाली, हम घूमने जा रहे हैं, मैं अपनी ड्रीम प्लेस पे जा रहा हूँ कुनाली, हिमालय पे। तो गाइस पैकिंग हो चुकी है, 3 बैग हैं, एक लैपटॉप बैग है, एक कपड़ों का बैग है, और एक कैमरा बैग है। तो गाइस मुझे पूरी फैमिली को छोड़ के जाना पड़ रहा है यहाँ से अपना ड्रीम प्लेस पे, के बाद में ठीक है फिर मिलेंगे, चार पाँच दिन के लिए जा रहे हैं हम, 4-5 दिन के बाद मिलेंगे, ठीक। मेरा मन तो नहीं लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा अब ड्रीम प्लेस अपना। तो पूरी फैमिली बस यहीं रहेगी, मैं और साहिल जा रहे हैं बॉबे के साथ में बस। तो फाइनली बॉबे आ गया थार लेके अपनी, कैसा रहा सफर? मजेदार, बहुत मजा आ गया भाई, सारा सामान भरो, टेंट खाने का कंबल कोयला पानी, मतलब जो फुल कैंपिंग का होता है सारा। मेरे बैग आ जाएंगे ना, मेरे 3 बैग है, डाल देंगे, ये तो मैंने ऐसे ही रखा हुआ ऊपर से। अरे वाह कुनाली भी पेंट कर रहा है, पेंट करना आता है आपको? तो वो भी फर्स्ट टाइम आया हमारे गांव में, कैसा लग रहा है घर हमारा? बहुत अच्छा, बहुत। तो फाइनली गाइस 18 मिलियन का केक आ चुका है यहाँ पे, मम्मी चाची अम्मा बाबू सब आ जाओ, हैप्पी 18 मिलियन, हैप्पी 18 मिलियन, हैप्पी, ताली ताली तालियां, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन। तो फाइनली केक कट हो गया है, अब बस वेट है 20 मिलियन का, 20 मिलियन पे करेंगे खतरनाक खतरनाक सेलिब्रेशन करेंगे 20 मिलियन पे। तो अभी गाइस एक दिक्कत होगी, हमारे 4 बैग हो गए हैं लेकिन थार में जगह ही नहीं है, अब थार पूरी पैक है, तो हम सोचते हैं फॉर्चुनर में जाते हैं फिर, फॉर्चुनर में फुल स्पेस है ना, बताओ क्या करें, फॉर्चुनर या थार? चलो देखते हैं एक बार, ठीक है जल्दी से 20 मिलियन हो जाएं, जल्दी से 20 मिलियन हो जाएं, ठीक है अम्मा, ओके प्रणाम, ठीक है ठीक है। और पता है बॉबी भैया ने ना थार की पीछे की दोनों सीट निकाल दी है भाई, मजा तो थार में ही आएगा वैसे। अब हमको 3 जनों को बैठना है यहाँ पे, साहिल को, मेरे को और बॉबी भैया को, आगे पीछे पूरा सामान है देखो, तो ये दिक्कत है बस। सबसे बड़ा चैलेंज है 3 जने कैसे बैठेंगे यहाँ, 3 जने जाएंगे कैसे इसमें, इतनी दूर जाना भाई, 500 किलोमीटर 500,000 किलोमीटर जाना है हमको, 3 जने कहे जाएंगे? देखो यार एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये देखो भाई साहिल को कैसे बिठा दिया यहाँ पे, साहिल को बीच में बिठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं बैठूंगा यहाँ, साहिल यहाँ, वो भी यहाँ, कंफर्टेबल है वैसे तुम दो पतले पतले हो यार, दोनों बैठ के देखो एक बार, बैठना सही तो है। तो चलो गाइस फाइनली साहिल भी बैठ गया, वो भी बैठ गया, मैं भी बैठ गया, तीनों आगे बैठ गए, ओके चलते हैं, लेट्स गो लेट्स गो।
तो भी गाइस रुक गए कुछ खाने के लिए। यहाँ पे ना बोबी भैया का ससुराल है तो यहीं पे खाना खाएंगे हम इनके ससुराल में। ससुराल में भाई सही है, थार ले आए हम, अब मजा आएगा ना, इसको लेके जाएंगे जब स्नो में ससुराल में। मेरी सासू माँ रहती है यहाँ पे। गाइस आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, बोबी भैया और हमारा गाँव सेम है, तो हमको जाना उस वाले घर में, सामने दिख रहा ना। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, इससे मिलो, ये एंजल, इसका इसका फेस थोड़ा अलग सा है ना, देखो जो इसको बुला रहा है उसके पास जा रही है। सहल तू बुलाइयो एंजल, ये देखो जो बुलाएगा उसके पास जा रही है। अब देख सहल के पास गई ना, और ये देखो भाई बुलेट, ये बुलेट। चलो अब खाना खाते हैं, दाल चावल हरी सब्जी, इसके बाद फिर निकलते हैं। सस्ता नहीं ससुराल का, ससुराल का। गाइस हमको अम्मा इतने अच्छे से खाना दे रही है ना, नहीं नहीं मेरा हो गया बस, नहीं 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 जबरदस्ती, नहीं 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 बस अब मत डालना, नहीं खाया जाएगा, इतना थोड़ा जबरदस्ती खाना पड़ेगा मुझे। नहीं मैं खाऊंगा, समझो करो, आपके साथ में जो रहेगा ना एक हफ्ते में मोटा हो जाएगा, आप इतना खिलाते रहे तो खिलाते। तो गाइस खाना वाना हो चुका है मस्त, और देखो ये चीज मस्त लगी इन्होंने, यहाँ पे सब्जियां बो रखी है घर के आगे, देखो यहाँ भी सब्जियां, यहाँ भी सब्जियां। वो जो बादल दिख रहे हैं ना, बादलों के पीछे हिमालय है, अभी दिख रहा, सुबह दिखाते ना मैं आपको। इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए, अच्छा लगा बेटा। गाइज मुझे तो काफी अच्छा लगा इन सबसे मिलके, काफी मस्त, काफी स्वीट फैमिली थी, और दादाजी तो भाई बहुत नेक्स्ट लेवल, मस्त मस्त खाना खिलाया, मस्त मस्त केयर की, और इतने स्वीट थे ना, मन तो निकला जाने का, कह रहे थे रुक जाओ लेकिन जाना पड़ेगा यार हमको, तो हम अपने ड्रीम प्लेस पे जो जा रहे हैं, ये हमसे आगे, चलो घर चलो घर। और गाइज थार के पास भी काफी सब्सक्राइबर्स वेट कर रहे हैं, तो उनसे भी मिलते हैं। बाय बाय बाय। तो अभी गाइस मस्त खाना पीना खा के निकल पड़े हैं, अभी हमको 5-6 घंटे और ड्राइव करना है यहाँ से, तो हम रात को पहुंचेंगे, 8-9 बजे पहुंचेंगे रात को। हमारा प्लान है आज रुकने का मुंशियारी, तो यहाँ से मुंशियारी जाएंगे। तो अब गाइस मैं चलाऊंगा अभी थार, चलाने का बहुत मन कर रहा था। रास्ता देखो कितना मस्त लग रहा है, और मजा आ रहा है थार चलाने में यहाँ पे। अभी आगे देखना, आगे तो पूरी बर्फ सब कुछ आएगा, वो आप कल देखना, कल आएगी ना बर्फ, तो बर्फ कल 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 भी देखते हैं, कल कहाँ तो जाते हैं हम पहले। तो अभी गाइस रुके हैं फोटो लेने के लिए, और भाई क्या ठंड हो रही है बाहर, अभी तो भाई बहुत दूर जाना है, 3 घंटे और ड्राइव करना है, 2 घंटे कर लिया मैं, 3 घंटे और करना है, लेकिन जो मजा आ रहा है ना भाई, सही डिसीजन है कि हम थार में आए हैं। अच्छा हम फॉर्च्यूनर नहीं ले गए, थार में जो मजा आ रहा है ना भाई, भाई साहिल को अनकंफर्टेबल लग रहा होगा ना, लग रहा होगा साहिल के, मैं दोनों पांव यहां कर रखे हैं, साहिल मस्त होके बैठा हुआ है। रोड देखो भाई कितनी मस्त रोड है यहां पे, कोई गाड़ी नहीं है दूर दूर तक, मतलब सिर्फ हमारी थार चल रही है यहां पे। यूजुअली ना लोग इतनी दूर तक नहीं आते, क्योंकि बहुत दूर है वो हिमालयस, बहुत दूर है वो, देखने में तो पास लग रहा है लेकिन बहुत दूर है वो। तो भी गाइस रुके सनसेट होने वाला है, इतना प्यारा सनसेट दिख रहा है ना, मतलब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ ना वो मतलब आपने मतलब रेयरली कहीं देखा हुआ मेरी आंखों के सामने, अभी दिखाता हूँ आपको, बहुत सुंदर लग रहा है ये देखो गाइस कितना सुंदर लग रहा है, मतलब पहाड़ों के पीछे अभी मतलब सनसेट होने ही वाला है भाई, नीचे जाते हुए दिख रहा होगा आपको। हो गया सनसेट, हो गया चले। तो गाइस सनसेट हो चुका है, अब बस अंधेरा भी हो जाएगा, अब अंधेरे में ड्राइव करना पड़ेगा। कौन सा है और ये कौन सा है, बाहर तो नहीं आ जाएगा। सनसेट डन, अब चलते हैं। चलो भाई रोड बहुत खतरनाक है, देखो लेफ्ट में पूरी खाई है यहाँ पे, तो यहाँ बहुत संभल के चलना पड़ेगा हमको। तो भी गाइस रुके हैं चाय पीने के लिए, तो भी गाइस चाय पी लिए। तो भी गाइस हम वेट कर रहे हैं एक और थार का, एक और रेड थार का, जो कि हमको ज्वाइन करने वाली है, वो भी कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो वो यहाँ से हमारे साथ में चलेंगे, चाय भाई हमने पी लिए। तो गाइस फाइनली दूसरी थार भी आ चुकी है, देखो दूसरी रेड थार है ना, चलो भाई अब चलते हैं। तो भी गाइस निकल पड़े, और आगे रोड देखो भाई कितनी पतली रोड है, अब ऐसे जाना है 3 घंटा। ओ भाई ये क्या चीज है गाइस, ये देखो सामने क्या है, पॉक्यूपाइन, पॉक्यूपाइन भाई, भाई कितना खतरनाक लग रहा है, देखो कांटे छोड़ता है, कांटे छोड़ता है, ये तीर मारता है जितने भाई, कितना खतरनाक लग रहा है भाई गाइस, ये देखो भाई मैं तो पहली बार देख रहा हूँ रियल में, गया 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 भाई कितना खतरनाक है। तो भी गाइस हमने देखा शॉल, मतलब पहाड़ी में शॉल बोलते हैं वैसे यही बोलते हैं भाई, खतरनाक काटे थे उसमें, और हमारे आगे ही चल रहा था भाई, वो भी मैंने तो बहुत देखे हैं लेकिन मैं तो पहली बार देखा भाई, और बहुत खतरनाक होता है इसके जो काटे होते हैं ना, काटे फाड़ देता है, लिटरली फाड़ देता है, चाहे कोई जानवर है कोई इंसान हो कुछ भी हो, हमारे तो आगे चल रहा था, हम तो गाड़ी से उतरे भी नहीं भाई। तो फिलहाल पेट्रोल पंप ढूंढ रहे हैं, बिकॉज पेट्रोल खत्म होने वाला है, सुबह से पेट्रोल नहीं भरवाया ना। तो फाइनली गाइस पेट्रोल पंप मिल गया, और देखो यहाँ पे सब्सक्राइबर भी मिल गया हमको, रात को सब्सक्राइबर क्या? वो मिल गया ना, वो तो मिल गया हो। तो गाइस पेट्रोल फुल करा लिया है, तो चलो अब चलते हैं सीधे यहाँ। गाइस ये तो अभी 71 किलोमीटर और दिखा रहा है, 3 घंटे अराउंड 3 घंटे और भाई,
रात को 11 बजे पहुंचेंगे हम भाई। आज पूरे 10 घंटे की ड्राइव होगी, 10-11 घंटे की ड्राइव होगी आज। लेकिन मजा बता रहा है वो भैया के साथ में, साहिल के साथ में मजा आ रहा है फुल एकदम। ऑफरोडिंग की है भैया, ऑफरोडिंग की तगड़ी वाली। अच्छा ऑफरोडिंग आगे, थोड़ा पुल टूटा अभी नहीं है। तो अभी कुछ सब्सक्राइबर मिले थे, वो कह रहे थे आगे रोड खराब है, आगे पूरी ऑफ रोडिंग है। तो गाइस अब देखो कितनी खतरनाक रोड आ चुकी है यहाँ पे भाई, मतलब लेफ्ट में पूरी खाई खाई है और पूरी ऑफ रोडिंग है। यहाँ पे देखो पूरी लैंडस्लाइड हो रखी है, तो यहाँ बहुत आराम से चलनी पड़ेगी हमको भाई साहब। इस तरह के रोड पहली बार चला रहा हूँ मैं थार को, थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है लेकिन एडवेंचरस है काफी। रात के 10 बज चुके हैं, पत्थर ही पत्थर है। तो फाइनली गाइस हम मुनस्यारी पहुंच चुके हैं और अभी हम रुकेंगे यहाँ पे, पीछे दिख रहे हैं आपको, तो मैं आपको सुबह दिखाऊंगा अच्छे से, बहुत बहुत प्यारी जगह है। तो हम रात को रुकेंगे यहाँ पे, इसके अंदर देखो ये कितनी मस्त जगह है, इसके अंदर जाके दिखाऊंगा, इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो हमारा ये वाला है, बाकी लोगों का ये वाला है, तो हमने दो बुक करे थे, ये वाला और ये दो बुक करे थे। गाइस रात के 11 बज चुके हैं, तो अभी गाइस हमारा खाना आ गया है, इसमें हमारा खाना, इसमें और इसमें खाना है, ये बाल्टी सी है ना जो। तो गाइस देखते हैं इन दोनों में क्या 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 चीजें हैं, मतलब पहली बार देख रहा हूँ इतने बड़े टिफिन ही है। इसमें चावल, दाल मिक्स वेज, रोटी भी है, सिंपल एंड सोबर खाना, मस्त खाते हैं। तो अभी गाइस मस्त खाना पीना हो चुका है, रात के 12 बजने वाले हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ एडिटिंग, और भाई इतनी ज्यादा ठंड हो रही है ना यहाँ पे, और सामने हिमालय है जो कि मुझे अभी नहीं दिख रहे, वो सुबह दिखेंगे, तो मैं आपको सुबह दिखाऊंगा, ड्रोन उड़ाएंगे, और अभी हम कहाँ रुके हुए हैं वो भी आपको सुबह दिखाऊंगा। बहुत प्यारी जगह है अभी मुनस्यारी में हम, तो कल हम यहाँ से आगे जाएंगे, मतलब अभी तो बहुत आगे जाना है हमको। तो हाँ आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, बहुत एक्साइटिंग वीडियोस आने वाली हैं, बहुत मस्त मस्त व्यूज मैं आपको दिखाऊंगा। मैं खुद भी नहीं आया, पहली बार खुद आया हूँ मैं खुद। तो हाँ मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। आज तो मजा आ गया बोबिया के ससुराल में।